हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशू में। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पिछले दो दिन से मैं दो वीडियो लेके आ चुका हूं जियोग्राफी का, और वो दोनों वीडियो भारत के परिचय के बारे में थे, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन दोनों वीडियोस की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देखें, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा उससे। और आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग, और आज के वीडियो में क्या क्या बताने वाले हैं वो बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे भारत के तटीय क्षेत्र के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो तट से सीमा शेयर करते हैं, और किसकी सबसे ज्यादा सीमा शेयर होती है, और समुद्री क्षेत्र पर भारत का अधिकार कितना है, कितनी दूर तक पूर्णतः अधिकार है। काफी सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि भारत के तटीय क्षेत्र देखते हैं। भारत का तटीय क्षेत्र, ठीक है, तटीय क्षेत्र देखने के लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं, बनाते हैं भारत का प्रायद्वीपीय भारत का मैप थोड़ा सा बना देते हैं, जो समुद्र से लगता है। समुद्र से ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। ये पश्चिम में अरब सागर, यहां हिंद महासागर, और इस साइड में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है और यहाँ ये गुजरात है। तो ये देखेंगे ये जो क्षेत्र है इसे कहते क्या है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो और एक तरफ से स्थलखंड से जुड़ा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसके तहत कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। पहले ये देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र से सीमा शेयर करते हैं और कितना करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे कम कौन करता है। तो ये जो है आपका राज्य, यहाँ तक ये आप लोग जानते हैं, ये है गुजरात, ठीक है। और इसके बाद आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद ये गोवा हो गया छोटा सा, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और उसके बाद आपका यहाँ पड़ता है कर्नाटका, ठीक है, और ये आपका पड़ता है केरल, और यहां से लेके ऐसे आपका तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, और ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के बाद जो बॉर्डर शेयर करता है वो आप लोगों का है, ये आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नहीं सॉरी, यहाँ उड़ीसा है, पहले उड़ीसा है तब पश्चिम बंगाल है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर उड़ीसा का शेयर होता है, फिर ये पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, आइए इसे लिखते हैं सही से, जिससे कि आप लोग आराम से बता सकें। तटीय सीमा वाले कुल राज्य कितने हैं, नौ राज्य हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, शुरुआत करेंगे कहां से, एकदम पश्चिमी छोर से, ठीक है। इसमें आपका पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा,
चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आठवां उड़ीसा। नौवां आपका कौन सा पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये टोटल नौ राज्य हैं जो समुद्री सीमा शेयर करते हैं भारतीय राज्य। ठीक है, तो इनमें अब हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है समंदर से, और कौन सा एक ऐसा राज्य है जो सबसे कम सीमा शेयर करता है। तो कम सीमा शेयर कौन सा करता है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये गोवा है, अपना जो छोटा सा राज्य है, सबसे कम सीमा शेयर करता है समंदर से। ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा, ये देखिए आप लोगों को बताता हूँ, ये गुजरात है। तो यहां से लेके ये पूरा जितना एरिया है गुजरात का, यहां से यहां तक आता है पूरा। सबसे ज्यादा, गौर से सुनिएगा, सबसे ज्यादा तटीय सीमा शेयर करने वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, सबसे कम तटीय सीमा शेयर करने वाला राज्य गोवा है। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा सीमा शेयर करने वाला राज्य कौन सा है, कहां प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है ये छोर, पश्चिम बंगाल से लेके यहां तक का ये छोर, तो इसमें कौन सा राज्य है, तो वो सबसे ज्यादा ये राज्य आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है प्रायद्वीपीय भारत में। गौर करिएगा इस पे, अगर डायरेक्ट पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है वहां से तटीय सीमा, तो गुजरात होगा। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत का पूछेगा तो उसमें कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है प्रायद्वीपीय भारत में। और पूरे भारत का अगर पूछेगा तो गुजरात। ठीक है, और इसकी पूरी तटीय सीमा मैंने पहले वीडियो में ही बताई थी जब इंट्रो दे रहा था इसका, तो कुल तटीय सीमा मैं यही भी दे रहा हूं, कुल तटीय सीमा मुख्य भूमि की, इसमें द्वीपों की नहीं जुड़ी है, कितनी है आपकी है 6100 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 6100 किलोमीटर है जहां से लेके पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, और अगर इसमें द्वीपों की भी जोड़ देंगे ना, तो ये जो आपका यहाँ पड़ता है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो टोटल इसकी कितनी हो जाती है 7716 किलोमीटर हो जाती है द्वीपों के साथ, ये लिख लीजिएगा पास में। ठीक है, द्वीपों सहित, द्वीप सहित 7716 किलोमीटर सीमा शेयर करता है। ठीक है, अब हम लोग इसे आप लोग नोट करिए ना, तो एक अच्छी चीज आप लोगों को बताते हैं कि समंदर में कहां तक कितना क्षेत्र पर अपना अधिकार है। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं, इसे नोट डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं स्टार्टिंग के, वो दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे आप लोग देख लेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तटीय क्षेत्र से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और मैप आप लोग पास में लिए ही होंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भारत का मैप और वर्ल्ड का एक मैप आप लोग लेके साथ में बैठा करिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अभी से रफ करूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीन शॉट ले लिया करिए, बाद में नोट कर लिया करिए। ठीक है, देखिए ये जो तटीय क्षेत्र है
अब ऐसा तो है नहीं कि जो सागर या जो महासागर भारत से या किसी अन्य देश से लगता है उस पर अपने मन से अधिकार होगा, नहीं, इसके भी सीमा निर्धारित की गई है। तो जैसे हम लोग अपने क्षेत्र में स्थल भाग में जैसे कोई दूरी नापते हैं तो मीटर में किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है, तो जो समंदर की दूरी नापी जाती है वो नॉटिकल माइल में नापी जाती है, ठीक है, जिसमें एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर, नियर अबाउट 2 किलोमीटर, ठीक है, 1852 मीटर होता है एक नॉटिकल मील में, ठीक है, इसी के हिसाब से दूरी नापी जाती है। और समंदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यही चीज पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा, कितनी दूर तक समंदर में कितना भारत का अधिकार है। दो तरह से अधिकार होता है, एक ईईजेड होता है और एक पूर्णतः अधिकार होता है। ईईजेड का मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, उसका मतलब है कि आपका अधिकार होगा, मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे ये समंदर हो गया, ये तट हो गया हमारा, ठीक है, तो तट से 12 नॉटिकल मील तक भारत का पूर्णतः अधिकार होता है। इसमें अगर कोई विदेशी जहाज या विदेशी लोग या उद्घाटनकर्ता मछुआरे कुछ भी जो भारत के नहीं है जिस पर भारत आपत्ति जाहिर कर सकता है वो कर सकता है। अब आप मान लीजिए कि 12 नॉटिकल मील तक भारत का अधिकार है समंदर में और कोई अन्य देश का जहाज या कोई भी पोत आता है इधर, तो भारत पहले उसे चेतावनी देगा, एक बार चेतावनी देगा कि आप क्यों आ रहे हैं, कौन है, कैसे हैं, उसमें चाहे जो हो जहाज से कोई मतलब नहीं है, एक बार चेतावनी देगा, दो बार चेतावनी देगा, अगर तीसरी बार भी नहीं मानते हैं तो यहाँ से आदेश हो जाएगा कि इसे उड़ा दिया जाए, तो भारत उड़ा देगा, कोई क्लेम नहीं होगा भारत पर, ठीक है, मतलब इस पर पूर्णतः अधिकार है 12 नॉटिकल माइल तक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हो गया आपका पूर्णतः अधिकार, इसमें आप तेल निकले, चाहे तेल का खान मिले, कुआं, कुछ भी मिल जाए, जो भी मिले वो भारत का है, ठीक है। और इसका जो ईईजेड होता है जोन, वो होता है यहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, ईईजेड फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब इसमें भारत साफ सफाई कर सकता है, वहां तक ध्यान दे सकता है, रह सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना नए नए द्वीपों का निर्माण कर रहा है, तो इस तरह से भारत भी 200 नॉटिकल माइल तक द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है, पूरा अधिकार भी कर सकता है, लेकिन यहां से विदेशी जहाजों का आवागमन या कुछ भी चीज ऐसा है तो उसे भारत नहीं मना कर सकता, रोक नहीं सकता उसे, ठीक है। यहाँ तक भारत का क्षेत्र है, साफ सफाई का अधिकार है और नए नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, बाकी अन्य चीजें जो है सब कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ इसमें 200 नॉटिकल मील और 12 नॉटिकल मील में यही फर्क है कि यहाँ भारत अधिकार इस तरह से रखता है कि पूर्णतः अधिकार है, इस पर कोई भी विदेशी जहाज नहीं आ सकता, कोई भी विदेशी लोग बिना अनुमति के नहीं आ सकते, और इसमें भारत की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आते जाते रहेंगे, भारत उसे नहीं रोक सकता, लेकिन द्वीपों का निर्माण कर सकता है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रख सकता है, हर तरह से काफी जो जो चीजें हैं सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत का अधिकार क्षेत्र समुद्र पे कितना है, अब मैं इसे थोड़ा सा लिख दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। समुद्री क्षेत्र, आप लोग नोट्स मेरे साथ बनाते चलेंगे तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहला पूर्णतः अधिकार, कितना, 12 नॉटिकल माइल, ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है, ये आपका है 200 नॉटिकल माइल। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक नॉटिकल माइल बराबर 1800
52 मीटर होता है, ये आप लोग याद रखेंगे ठीक है। और इसके बाद कितने राज्य हैं ये भी मैंने बताया, ये भी बताया, सारी चीजें आप लोगों की उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होगी ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करिए और उसके बाद मैं इसे रफ करके आगे की चीजें बताता हूं, जो कि अब तटीय सीमा तो हो गई आपकी, ये बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये मैंने पहले ही लेक्चर में बता दिया था, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जितनी सारी चीजें हैं मैंने एक एक करके तटीय सीमा से लगने वाले राज्यों के बारे में मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा कौन सा लगता है। अब आगे हम लोग देखेंगे भारत के इंटरनल पार्ट के बारे में कि भारत के कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बड़ा छोटा है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं ठीक है। तो आइए इसे नोट करिए, उसके बाद में उसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को ठीक है। जल्दबाजी मत दिखाइएगा, वीडियो को गौर से देखिएगा, अच्छे से समझ के अगर देखेंगे तो यही सारी चीजें याद हो जाएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन यहाँ से उठाता ही है ठीक है। चाहे ईजेड से उठा ले, चाहे ये पूर्णतः अधिकार से उठा ले भारत का ठीक है, पूछ लेता क्षेत्र पूछ लेता है कि कहां तक पूर्णतः अधिकार है, कहां तक ईजेड वाला क्षेत्र है ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ, अब देखेंगे भारत के राज्य, कुल कितने राज्य हैं 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8 हो गए, वो भी बताऊंगा कैसे हो गए हैं। पहले 2019 तक भारत में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे ठीक है। उसके बाद जब 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर से आपका धारा 370 हटी वहां से 35 है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो अलग से दो यूनियन टेरिटरी बन के आई ठीक है। तो पहले तो 7 थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ गई, 2 कितने हो गई 9 हो गई ठीक है। लेकिन मैं तो 8 लिखा हूं, क्यों वो भी बता रहा हूं, 9 हुई। उसके बाद 2020 में 26 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक संशोधन कराया, और उस संशोधन में आपका जो दमन दीव और दादर नागर हवेली दो अलग अलग यूटी थी ठीक है, इन दोनों को मर्ज करवा के एक कर दिया, दादर नागर हवेली और दमन दीव करवा दिए, ये आपका एक हो गया। तो जब ये 9 था, 9 में से एक निकाल दिए, कितने हो गए 8 हो गए ना, यही मैंने यहाँ 8 लिखा था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, अभी बताऊंगा आगे ठीक है। और राज्य मैंने 29 बोला था, 28 कैसे हुए, जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, राज्य का दर्जा दिया गया था उसे, तो राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग, तो वो राज्य की श्रेणी से हटा के यूनियन टेरिटरी की श्रेणी में रख दिया गया, तो राज्यों की संख्या 29 से एक घटा 28 हो गया ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, मैंने डेट भी बता दी, और ये डेट इम्पोर्टेंट है ठीक है, डेट आप लोग लिख लीजिएगा, और मैं भी बताऊंगा जब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को ठीक है। आइए अब देखते हैं कौन सा राज्य, कौन कौन से राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन कौन से हैं, ज्यादा नहीं 4-5 स्टार्टिंग के आप लोगों को याद करना है। मैंने ये मैप बनाया है, ये मैप मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं ठीक है। चलिए ठीक है, इतना बहुत है। तो ये आपका गुजरात हो गया ठीक है,
यहाँ तक। गुजरात, गुजरात के बाद आपका राजस्थान पड़ता है, उसके बाद आपका पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ऐसे करके हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिक, ये आपका कौन सा है, ये एक तरह से मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसे बस ऐसे याद रखिएगा, मैं इतना याद नहीं होता सबको, आप लोग मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बड़े और छोटे राज्यों के बारे में क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बड़े राज्यों के बारे में जानना है तो अपनी पेन यहाँ रखेंगे और यहाँ से ऐसे ले जाके मोर देन का चिन्ह है ना, ये बड़ा था, आप यहां से रखेंगे, ये आपका पहला कौन सा पड़ा, राजस्थान, दूसरा कौन सा पड़ा, मध्य प्रदेश, तीसरा कौन सा पड़ा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका गुजरात है, तो एक लाइन ऐसे मार देंगे इस पे, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश और गुजरात, फिर कितने हो गए, पांच हो गए, और दो देखना है तो उसे कहां से देखेंगे, यहां से एक लाइन मार देंगे कर्नाटक से तमिलनाडु तक, ठीक है, कितने राज्य हो गए, आइए अब सीरियल वाइज लिख देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। बड़े राज्य पहला कौन सा, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश के बाद किधर आई है लाइन, महाराष्ट्र, चौथा आपका उत्तर प्रदेश पता होगा, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटका, सातवा आंध्र प्रदेश। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, स्टार्टिंग के साथ याद है बहुत है। अब आप लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य, ठीक है, इसमें राज्य कर देते हैं और यहां कर देते हैं बड़े से छोटे, यहां कर देते हैं छोटे से बड़े, ठीक है, ये हो गया आपके क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे कि छोटे से बड़े राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये तो पहले ही दिख रहा है आपका गोवा, यहाँ आपका पड़ता है सिक्किम, और ये आपका बांग्लादेश है, तो यहाँ जो आया है त्रिपुरा, इसकी मैं ठीक आप लोगों को बहुत सिंपल बताऊंगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, दूसरे पर कौन सा है, सॉरी हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही लिखा है, सिक्किम, तीसरा त्रिपुरा, बस तीन से ज्यादा नहीं याद करना है छोटे में, ये इतना बहुत 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 सही है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। ये हो गया गोवा, गोवा से आप क्या निकालेंगे, ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को एकदम सिंपल ट्रिक, गोवा से जी, सिक्किम से एस, त्रिपुरा से टी, जीएसटी लाके मोदी जी ने कितना हंगामा किया था पता है ना आप लोगों को, बस छोटे राज्य अगर हम आपको याद करना है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य कौन है छोटे से बड़े, तो जीएसटी अपने माइंड में बनाए रखिए, बस मोदी जी का जीएसटी जो लेके आए थे वो, जीएसटी से क्या हो गया गोवा से, जी से आपका गोवा, एस से आपका सिक्किम, और टी से आपका त्रिपुरा, ठीक है, इसे नोट करिए। फिर मैं आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्यादा है और जनसंख्या उसके दृष्टि से, नहीं अभी जनसंख्या की दृष्टि में तो बताया नहीं राज्य के बारे में, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि से आप लोगों को बता देते हैं कौन से राज्य बड़े हैं कौन से छोटे हैं, नोट करिए इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से
राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोगों को देखना है तो कहां से शुरू करेंगे, ये हटा देते हैं, अब अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, और ये पॉइंट याद रखिए, ये पॉइंट, ठीक है। पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल, पांचवें पर पड़ेगा मध्य प्रदेश। ये आपके क्या होगा, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य, ठीक है, बड़े से छोटे राज्य। अब छोटे से बड़े देखते हैं, ठीक है, तो छोटे से बड़े देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लीजिए कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य में होती है, तो आपका कौन सा राज्य है, ये सिक्किम। यहाँ की जनसंख्या का यहाँ का बहुत कम जनसंख्या है, यहाँ की 75 लाख के करीब है, बस उससे ज्यादा नहीं है। सिक्किम की जनसंख्या नियर अबाउट ऐसी ही है, ठीक है। सबसे कम में कौन सा है, सिक्किम, इतना याद रखिए बस। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य ये हो गए आपके सबसे बड़े, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। सबसे छोटा कौन सा है, सिक्किम, ठीक है, इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बता के वीडियो को खत्म करता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं भारत के इंटरनल पार्ट के बारे में और अच्छी चीजें लेके आऊंगा, ठीक है, जैसे नदी तंत्र हो गया, पुआल तंत्र हो गया, पर्वत पठार हो गया, ठीक है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। क्योंकि आज से जो वीडियो खत्म होगा तो भारत का परिचय और इसके तटीय क्षेत्र सब कुछ, एक तरह से भारत के बारे में आप लोग इतना जान चुके हैं कि अब आप लोग नदी तंत्र, पर्वत पठार, श्रेणियां सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो लेके आऊंगा, इसे नोट करिए और स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद मैं बता देता हूँ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, फिर उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है, ठीक है। बर्फ कर रहा हूँ, टाइम अच्छा खासा दिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब बताते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए मैप पर, पहले ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के रूप में, तब यहाँ जो लद्दाख है उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, ठीक, दूसरे पर जम्मू कश्मीर, तीसरे पर आपका ये पहुंच गया, ठीक है। तो आइए नोट करते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले पर क्षेत्रफल की दृष्टि, पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथे पे आपका कौन सा आता है, दिल्ली, पांचवे पे कौन सा आता है आपका, दमन दीव और दादर नागर हवेली। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, दमन दीव, दादर नागर हवेली की जो राजधानी है दोनों एक किए गए हैं, इसकी राजधानी दमन ही है, ठीक है, ये मत भूलिएगा। और दमन दीव के बाद छठवे पे आपका कौन सा आता है, पुदुचेरी, ठीक है। सातवे पे आपका आएगा चंडीगढ़, और आठवें पर कौन सा आता है आपका, लक्षद्वीप। यहाँ का क्षेत्रफल बहुत कम है, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से
ये तो मैंने 8 के 8 बता दिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे आप लोग यहाँ से देख ही लेंगे। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन, दीव, दिल्ली, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ से उल्टा जाएंगे तो आपको छोटे मिलेंगे। ये मैंने लिख दिया है बड़े से छोटे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश बड़े से छोटे ये हो गए, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं जनसंख्या की दृष्टि से बताता हूँ, ठीक है। नोट करिए इसे, ये इसमें काफी नई नई चीजें जुड़ी हैं, ठीक है। इन सबको याद रखिएगा, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का मर्ज हुआ है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं, और इंडिया का नया मैप लेके रखिएगा आप लोग अपने पास में, ठीक है। तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब मैं बताता हूँ जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग जानते होंगे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, आपका अपना दिल्ली, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके दिल्ली में है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, दिल्ली में। क्रम हमारे याद करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा इसमें क्या लिख लेंगे, सबसे कम कहाँ है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। काफी अच्छी अच्छी नई नई चीजें आप लोगों को देखने तो मिली होंगी, और आप लोग इसे जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा और कहाँ कौन सी कमी रह गई, जो आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस वीडियो से बनता है तो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और बाकी के जो दो वीडियो आए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आज से भारत का भौगोलिक परिचय एक तरह से खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं भारत के इंटरनल पार्ट के बारे में बताऊंगा, इसीलिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भी मैंने आज ही समझा दिया, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में आप लोगों को नदी तंत्र हो सकेगा तो ले आऊंगा, या तो पर्वतीय पठार जो भी लाना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।